गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिक्षित शिवपुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। इसके तीसरे सखंड पर हम आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते, तीसरा सकंद में हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 पर और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहे अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं शंकर जी कह रहे हैं, तो कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है? और कमल से, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया? कमल जय रजोगुण संभव सुवित है क्यों? और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इनका अनुवादक कोई नहीं है, ये प्रकाशक है। देखिए इसके 123 पृष्ठ पर संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पर यहाँ लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है, ये ही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। पुण्यात्माओं अब आसानी से समझ आ जाएगी, ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सती थी, और भाव है दो, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी, इनसे जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि सती थी और सहार, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि ये काल को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका नियमत यही है। और ये कहता है परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया,
गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अय हय, सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा, 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुष्टर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में के कहा गीता ज्ञानदाता ने माया के द्वारा, ओहो, कि इस रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, असुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मूर्ख, मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्मा जिसको परमात्मा चाहिए, अब ज्ञान इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब वो चूक नहीं सकता। अब धर्मदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि अब सुन ले, इनकी सुनाता हूँ तेरे को, कैसे रजगुण ब्रह्मा है, इन तीनों गुणों के उपासकों को कैसे राक्षस और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अपुन आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे इतिहास और पुराने पिछली जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है इसको दे दो, ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा प्रसन्न हो जाएगा, सिद्धि मांगता होगा। तो भगवान शिव जी ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हो गया। वचनबद्ध होने का नाम सुनते ही खड़ा हो गया छोड़ कर सिरासन। बस उस भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये कड़ा मुझे दे दे। उस कड़े में क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पे रख कर यूं कह दे भस्म, वो व्यक्ति जल कर मर जाता था, 1 सेकंड में राख हो जाती थी, नष्ट हो जाता था। भगवान शंकर जी वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने वो कड़ा निकाल के उसको दे दिया, ले बच्चा। अब शंकर भगवान ने सोचा था न्यू था कि यो जंगल में रहता है, इन सब पशुओं से राक्षसों से बचाव के लिए लेता होगा। भस्मागिरी का उद्देश्य क्या था कि इस भगवान शंकर को मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। ये कहते ही कड़ा हाथ में आते ही और तेवर बदल गए, कहने लगा ओले शंकर होशियार है, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, हा हा हा, बड़ा खुश हुआ ढेर।
अब शंकर भगवान ने सोचा ये तो वह सचमुच एकदम त्योड़ी बदल गया, कहते रह रह कर रहा था, और वो कड़ा न्यू दिखाया भगवान शंकर ने तो डांक ठोक दी, यानी स्पीड खींच दी कति, पता था उनको तो यू तो एक मिनट में कर देगा काम। अपने आत्माओं हम ये लीला पढ़ा भी करते थे, शिव पुराण में भी पढ़ रखी है, लेकिन कभी इस दिमाग में नहीं आई कि ये अविनाशी कौ है इन, और ये डर के बाज हैं, ये अविनाशी कितने थे जब डर के बाज लिए दौड़ लगा दी। फिर भगवान ने कहते हैं पार्वती रूप बनाया, और आगे आगे भगवान और पाछे पुजारी भाग रहे थे, बीच में खड़े हो गए पार्वती रूप बना के। अब और तक है भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु और ककड़े ब्यों था वाणे का, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आकर ये लीला करते हैं और क्रेडिट इनको दे जाते हैं ताकि भगवान में इन बच्चों की आस्था बनी रहे। अब पार्वती को देखते हैं भस्मागिरी का तलाग्य ब्रेक खड़ा हो गया, और उसको ये पता था भस्म कंडा तेरे हाथ में है, शिव जी तो 100 किलोमीटर तक डटे नहीं, टोया भी ना पावे, तो वो खड़ा हो गया वहाँ पर। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, अब वो तो आपके निकट आने वाले नहीं है, आ जाओ मेरे साथ और डांस करके दिखाओ मुझे पहले। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति तपस्वी आदमी, मन डांस करना तो ना आवे। तो पार्वती रूप में भगवान बोले आ जा मैं सिखाऊँ तेरे ते, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पाछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस ने नौकर करा कर वो ऊपर ले आई कि इसने और कर ऊपर और कर। वो भस्म कड़े वाला जो शरपा लिया ना, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर वो भगवान फिर प्रकट हो गए अपने विष्णु रूप में उस शंकर जी के सामने, और कहा भोलेनाथ डट जा, शंकर भगवान डट जा, रुक जाओ। भगवान शंकर बोला बाजले बाजले आ जा मेरे पाछे पाछे, मर गया अब क्या बात होगी कि भस्मागिरी नाम के दुष्ट ने मेरे से तप करके भस्म कड़ा मांग लिया और मेरे पीछे भाज रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने मार दिया, तू शांति राख, देख यो कड़ा मैं ले रहा, जो कड़ा देख के जब शांति हुई सचमुच कड़ा तो वही है। अपने आत्माओं उस दुष्ट भस्मागिरी की, अब उस तमगुण शिवजी के पुजारी की सोच इस गीता जी से मेल खा रही है, अपनी माता को गुरु की पत्नी माता के तुल होती है और वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए गीता जी में कहा कि इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे ओह और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है, ये मेरी साधना भी ना करते। अब रावण ने तमगुण शिव जी की भक्ति करी थी और ऐसी भक्ति करी थी एक और अन्य पुजारी शिव जी के साथ जन्म नहीं कर सकते, यहाँ से तलवार मार कर और उनके चरणों में समर्पित कर दिया था, और उस साधना से के मिला उसने, जैसा किया था वैसा ही वर्क डन मिल गया, ना मोक्ष हुआ, दुर्गति से मृत्यु हुई, राक्षस कवाया और कुत्ते वाली मौत मेरा सारा कुंबा गाणी करवा दी। अब ब्रह्मा जी की साधना की थी रजगुण ब्रह्मा जी की, हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और उसकी मौत से आप परिचित हों किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। विष्णु जी के उपासक हैं ये वैष्णव संत, एक बार कुंभ के पर्व का अर्की पैड़ियों पर संयोग हो गया हरिद्वार में, ये सभी गिरी पुरी नाथ ओगड़ नागा ये सभी तमगुण शिवजी के पुजारी हैं और वैष्णु साधा विष्णु जी के पुजारी हैं। वैष्णु जो संत हैं साधक ये सतगुण विष्णु जी के पुजारी हैं। वहाँ जब कुंभ का पर्व आता है ये अपने अपने ग्रुप में अपने अपने समुदाय में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी अलग पुरी अलग नाथ कनपाड़े अलग वैसे नाथ अलग नागा न्यारे और वैष्णु अलग से। जब स्नान का समय प्रभी का समय इनके द्वारा जो बना रखी है वो लोकवेद
उसके आधार से उस समय होता है, उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट रास्ते अनुसार वो अपने प्रस्थान कर